हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश, योर टेकमेट। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से लॉन्च होने वाले नए धमाकेदार सुपर फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi की तरफ से Xiaomi 13T सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च की जा सकती है। एंड इस सीरीज में आपको दो नए स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे। Xiaomi 13T वैनिला वेरियंट रहेगा, साथ ही साथ Xiaomi 13T Pro भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक सुपर फ्लैगशिप फोन रहने वाला है। इन दोनों ही फोन्स के लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं Xiaomi 13T Pro से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइस पॉइंट हो सकता है, ओवरऑल कैसा है स्मार्टफोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। वैसे तो इस फोन के कोई भी लाइव रेंडर्स अभी तक लीक नहीं हुए हैं, कोई भी लाइव इमेजेस अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो आज की वीडियो में आपको जितनी भी इमेजेस मिलने वाली है वो सारी रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए रहेंगी, लाइव इमेजेस नहीं रहने वाली है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको सुपर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि बैक में आपको ग्लास या सिरामिक दो वेरियंट देखने के लिए मिल सकते हैं। आइदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको मिलेगा या फिर सिरामिक का बैक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोनों ही मटेरियल आपको प्रीमियम फील कराएंगे। एल्यूमिनियम का फ्रेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड फ्रंट में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड, प्रीमियम एंड स्टडी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ यहां पर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, तो डस्ट स्प्लैश एंड वाटर प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तगड़ी रहने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला, डिजाइन को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन फ्रंट में आपको कर्व्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, डेफिनेटली सेंटर पंचोल आपको मिलेगा। एंड बैक पैनल से फोन कैसा रहेगा इस चीज को लेकर के अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे ही आएगी वैसे ही हम आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज की गारंटी है कि बिल्ड एंड डिजाइन में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बिल्ड एंड डिजाइन आपको तगड़ी देखने को मिलेगी। नाउ डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.73 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा। तो बड़ा फोन है, फ्लैगशिप फोन है, सारी चीजें बड़ी बड़ी होनी चाहिए। डिस्प्ले भी काफी बड़ा दिया गया है, 6.73 इंचेस का जो डिस्प्ले दिया गया है वो 2K रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। यस, 1440 पिक्सल्स रिजोल्यूशन वाला आपको डिस्प्ले दिया गया है। एंड यहां पर आपको 10 बिट का LTPO AMOLED पैनल देखने के लिए मिलता है, मतलब 1.07 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे। डिस्प्ले जो है कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कलर्स अच्छे रहेंगे, डिटेल्स आपको अच्छी मिलेगी, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिलेंगे, डेप्थ आपको अच्छी मिलेगी, सारी चीजें तगड़ी मिलने वाली है। साथ ही साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहां पर आपको मिलेगा, 521 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिलेगा, HDR10 Plus का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, साथ ही साथ डॉल्बी विजन का भी सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो कंटेंट वॉचिंग का जो एक्सपीरियंस है भाई साहब, वो तो टॉप नॉच रहने वाला है। साथ ही साथ ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे, समवेयर अराउंड 1800 निट्स की ब्राइटनेस भी आपको मिलेगी, मतलब विजिबिलिटी का दिक्कत भी नहीं आने वाला है। इंडोर विजिबिलिटी आउटडोर विजिबिलिटी दोनों बढ़िया रहेंगी। साथ ही साथ 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट भी मिलेगा, मतलब स्मूथनेस भी आपको तगड़ी मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी सुपर से ऊपर आपको मिलेगी, डिस्प्ले में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बताया जा रहा है कि इस फोन के साथ में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 2 चिपसेट, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ में नहीं आएगा, केवल थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड रहेगा 8 जनरेशन 2 के कंपैरिजन में। एंड यस, प्रोसेसर जो है वो 4 नैनोमीटर पर ही बना हुआ रहेगा, तो एनर्जी एफिशिएंसी आपको वैसी मिलेगी, हीटिंग का इशू आपको बहुत कम मिलेगा, थर्मल मैनेजमेंट फोन का बहुत अच्छा रहेगा, डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सो थर्मल मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी, गरम गरम आपका फोन नहीं होने वाला है। रॉ सीपीयू परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 3.38 गीगाहर्ट्ज़ की पीक क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिल सकती है, आर्म कॉर्टेक्स X3 वाले आपको कोर्स मिलेंगे, डे टू डे की परफॉर्मेंस मक्खन मिलेगी, मल्टीटास्किंग मक्खन हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 740 GPU यहां पर आपको मिलेगा, जो कि गेमिंग तो आपको अच्छी कराएगा, साथ ही साथ ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके बढ़िया तरीके से निपटा देगा, तो वहां भी आपको शिकायत नहीं आएगी। प्लस LPDDR5X RAM यहां पर आपको मिलेगा एंड UFS 4.0 वाला आपको स्टोरेज मिलेगा। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, परफॉर्मेंस भी आपको टॉप नॉच मिलती है, वहां भी दिक्कत नहीं है। कैमरास की बात करते हैं,
तीन कैमरास का सेटअप आपको पीछे की तरफ मिलेगा। प्राइमरी कैमरा यहां पर आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल्स का, जहां पर आपको 1 इंच का सेंसर देखने के लिए मिलेगा एंड साथ ही साथ OIS का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो प्राइमरी कैमरा सॉलिड है। सेकंड कैमरा की अगर बात करें तो यहां पर भी आपको 50 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस दिया जाएगा, जिससे 3.2x ऑप्टिकल जूम किया जा सकता है। सो यस, सेकेंडरी कैमरा भी तगड़ा आपको मिलेगा। एंड जो तीसरा कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल्स का कैमरा दिया जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। तीनों कैमरास तगड़े कैमरास हैं, रेयर कैमरा सेटअप टॉप नॉच आपको मिलेगा। साथ ही साथ 8K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 24fps पर, 4K वीडियो 60fps पर, 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो अप टू 240fps आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। काफी सही रेयर कैमरा है। सेल्फी कैमरा की अगर बात करेंगे तो 32 मेगापिक्सल्स का आपको सेल्फी कैमरा मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, टॉप नॉच कैमरा सेटअप है, कैमरा सेटअप में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, तगड़े साइज की बैटरी है, 4 नैनोमीटर का एनर्जी एफिशिएंट चिपसेट है, एमोलेड का डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नॉर्मल यूसेज पर 1 दिन से ज्यादा का बैकअप, 1.5 दिन तक का बैकअप आप आराम से निकाल पाएंगे, कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। साथ ही साथ 120 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा एंड 120 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर भी मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग का आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ 10 वॉट रिवर्स वायरलेस का आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ USB पावर डिलीवरी 3.0 का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ क्विक चार्ज 4.0 का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सो बैटरी मॉड्यूल तगड़ा है, बैटरी मॉड्यूल में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक ऑब्वियसली यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की बात करेंगे तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिलेंगे, NFC मिलेगा, IR ब्लास्टर मिलेगा, लगभग सारे सेंसर्स रहेंगे, सेंसर्स में कमी आपको नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेगा MIUI 14, जहां पर आपको बग्स भी मिलते हैं, एड्स भी मिलते हैं, ब्लोटवेयर्स भी मिलते हैं, लेकिन फीचर्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर का सेगमेंट जो है वो सेटल्ड रहेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको सॉफ्टवेयर में नहीं आएगी। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, जिनकी ट्यूनिंग आपको डॉल्बी एटमॉस की तरफ से मिलेगी, तो ऑडियो एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहेगा, ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका तगड़ा रहेगा। सो यस, सॉलिड स्पीकर मिलने वाले हैं। एंड कार्ड स्लॉट की बात करेंगे तो कार्ड स्लॉट यहां पर आपको नहीं मिलेगा, 2 नैनो सिम आप लगा पाएंगे, लेकिन एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। स्टोरेज की जरूरत भी नहीं आपको पड़ने वाली है, क्योंकि वेरिएंट्स की अगर बात करेंगे तो ये जो फोन है 12GB प्लस 256GB के बेस वेरिएंट के साथ में आएगा एंड ऑल द वे अप टू 24GB तक की रैम यहां पर आपको मिल सकती है एंड 1TB तक का स्टोरेज आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल जो फोन है वो बहुत ही तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ में आने वाला है, बहुत ही तगड़े फीचर्स के साथ में आने वाला है एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। भाई साहब, अभी तक प्राइस पॉइंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर अराउंड 80,000 ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में लॉन्च हो सकता है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगे, फीचर्स आपको कैसे लगे, आपके हिसाब से इस फोन का प्राइस पॉइंट क्या होना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।